हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज लाइव आने का पूरा पूरा प्रोग्राम था बट लाइव नहीं हो पाया, तो इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके अपनी वीडियो को। तो आज आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा होगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। तो इसी में बात करते हैं क्या पढ़ना है। तो आप सबको पता है बच्चों मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और माइनर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें पता है आपको। और यहाँ पे मैं इन बातों के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है, मुझे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, वो ये कि यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाऊंगी जो टॉपिक्स एग्जाम में आते ही आते हैं। जिस बच्चे की तैयारी कुछ भी नहीं है, कम से कम भी आज जो मैं ये 100 टॉपिक बता रही हूँ इनको अच्छे से कर लेना और साथ में क्वेश्चंस करना, वो भी बताऊंगी कौन कौन सी बुक से करने हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलिए, मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ ना वो आपको नोट डाउन करने होंगे क्योंकि इनकी ना ही तो कोई पीडीएफ है ना ही मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ इनकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, ये मैंने खुद से ही लिखे हुए हैं। तो बच्चों मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग लिख लेना इन क्वेश्चंस को जो ये पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बच्चों कुछ हमारे जो है टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहला टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको इट्सफंग डिजीज, ठीक है, हाइड्रोसिफेलिस, ये जो कंडीशंस हैं पीडियाट्री की कंडीशन है, ये आपको करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 5 साल से जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं ना मैंने, तब जाके मैंने ये बनाया है पूरा का पूरा, ठीक है, खुद से ही बनाया है भाई। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो इस टाइम पे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े। चलिए अब मैं बता रही हूँ आपको इम्यूनिटी स्टरलाइजेशन टॉपिक, जो आप लोग पढ़ते हो ना ऑटोक्लेव वगैरह, ये सब माइक्रो के टॉपिक्स हैं, जरूर पढ़ने हैं आपको। विटामिन के बारे में जरूर पढ़ना है, इनकी डोज के बारे में पढ़ना है, विटामिन के नाम पढ़ने हैं आपको, क्या क्या इनका फंक्शंस होता है बॉडी के अंदर, कौन सा जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम पूछते हैं। विटामिन के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि विटामिन आता ही आता है। फिर है हमारा लिथियम डाइजॉक्सिन, सबसे कॉमन ड्रग नर्सिंग की जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, या तो टॉक्सिसिटी पूछेगा या फिर इसका कोर्स पूछेगा या फिर इसका रिलेशन पूछेगा, बॉडी में क्या रिलेशन होता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मैकेनिज्म क्या है, एक्शन क्या है, सब पूछ सकते हैं। फिर आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका टॉपिक जो है, जो टॉपिक हमारा सेकेंडरी का है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। रिफ्लेक्सिस के बारे में क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे, मोरो रिफ्लेक्सिस है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, मोरो रिफ्लेक्स, टोनिक क्लोनिक रिफ्लेक्सिस, ये आते ही आते हैं एग्जाम में। वैक्सीनेशन आएगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आएगा, ठीक है, ईडीडी मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपायरी डेट है ना, ये सब भी आता है जो कि नेगले रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। GTPL स्कोर, ट्यूबरक्लोसिस की जितनी भी ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, क्या साइड इफेक्ट है इसके, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कन्फर्मेटरी कौन सा है, स्क्रीनिंग कौन सा है, मतलब जो भी आप लोगों ने पढ़ा है कोचिंग्स में या फिर बुक से पढ़ा है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अच्छे से जानकारी लेके जानी है। फिर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस, हमारी कम से कम भी 200 ड्रग ऑफ चॉइस है नर्सिंग के अंदर, टारगेट टाइम में सारी छापी हुई है, तो आप लोग कम से कम भी 4 से 5 बार पढ़ोगे उनको, तो आपको पहले टाइम में 20 याद होंगी, सेकंड टाइम 50 हो जाएंगे, थर्ड टाइम में 100 हो जाएंगी, फोर्थ टाइम के अंदर पूरी 150-200 भी याद हो जाएंगे, तो 4-5 बार पढ़ोगे उनको आप तो आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है आपका हमारा शोक, जो हमारा कार्डियो का टॉपिक है, शोक, MI, एंजाइना, ठीक है, ये सब आता है, राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसी चीज से आप लोग जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इसी चीज से क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो टैकीकार्डिया पूछे चाहे वो फिब्रिलेशन पूछे। एसिड बेस इम्बेलेंस आता है, ऑक्सीजन कैसे देते हैं, कौन सा रूट से देंगे, कौन सा कैनुला से देंगे, इतना देना है तो किस कैनुला से देंगे, या फिर उसकी इमेज बेसिस भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टरलाइजेशन, हिपेरिन वारफेरिन थेरेपी कैसे देते हैं, सेप्सिस वाला टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। जितनी भी ट्यूब्स है, एनजी ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब है, ICD डाल रहे हो या फिर सैंगस्टोन ब्लैकमोर ट्यूब डाल रहे हो, कैथेटराइजेशन कर रहे हो, कोई भी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आएगा टॉपिक, आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। कलर कोडिंग, जितने भी कलर कोडिंग है, चाहे वो हमारा सिलेंडर का कलर कोडिंग हो, चाहे वो हमारा डिजास्टर में कलर कोडिंग हो, चाहे वो हमारा जो है आपका IMNCI की कलर कोडिंग हो, जो कि आपका पीडियाट्रिक का टॉपिक है, जो भी कलर कोडिंग हमें आती है जितनी हमारी बुक्स में, बच्चों सारी कलर कोडिंग पढ़नी है। फिर आता है हमारा कीगल एक्सरसाइज, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, ठीक है, क्या फंक्शन होता है, सब कुछ पढ़ना है कीगल एक्सरसाइज के बारे में। फिर आता है हमारा HIV हेपेटाइटिस, दो क्वेश्चन आता ही आता, आएगा ही आएगा 2023 NORSET 4 के एग्जाम में।
है ना, हाइपर सेंसिटिविटी कितने टाइप की होती है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड में क्या, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है ना, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में आता है, वाइटल साइंस। और वाइटल साइन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को लगता है मुझे आता है और वो पढ़ के नहीं जाता, और फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लेके आता है कि बच्चा वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपको बच्चों वाइटल साइन बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एनिमा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, कौन सा वेकेंट एनिमा होता है, कोल्ड एनिमा क्या होता है, मेडिकेटेड एनिमा में कौन कौन से टाइप आते हैं, कितना देना चाहिए, उसकी इंचेस लेंथ कितनी होनी चाहिए, हर चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है। डीआई डायबिटिक इंसिपिडस डायबिटिक मलाइटस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, सारे क्वेश्चन आने चाहिए नॉर्सेट के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन छपता ही छपता है। पाइलोरी स्टेनोसिस का क्वेश्चन जो कि एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है, सिजोफेनिया, ईसीटी, बच्चों साइकेट्रिक से क्वेश्चन यदि बनता है ना तो एग्जामिनर के माइंड में सबसे ज्यादा यही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा एग्जाम में, मतलब 17 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है। माइलस्टोन जो भी है, 2 मंथ में क्या करेगा, 3 मंथ में क्या करेगा, 11 मंथ में बच्चा क्या करेगा, 2 ईयर पे क्या करेगा, 4 ईयर पे क्या करेगा, कलर कोडिंग कब करेगा, ट्राई साइकिल कब करेगा, साइकिलिंग कब करेगा, ये सारे क्वेश्चन बनते ही बनते आएंगे ही आएंगे। डायलिसिस रीनल फेलियर बच्चों आता ही आता है एग्जाम के अंदर। हमारा प्रिवेंशन, एक सेकेंड, प्रिवेंशन में क्या होता है हमारा, जितने प्रीमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सारे के सारे प्रिवेंशन आएंगे ही आएंगे। तो फिर हमने देखा सीओपीडी के बारे में, सीओपीडी वाला टॉपिक भी आता ही आता है। क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जितने भी क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, पटायू सिंड्रोम है, एडवर्स सिंड्रोम है, इसकी ट्राइजोमी आती है, इनका कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर्स कौन से होते हैं, कौन से इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इनकी कभी कभी इमेज बेस बन के भी आ सकती है, तो सब कुछ आपको पढ़ना है। एडवर्स सिंड्रोम के अंदर जो है, जो कंडीशंस आते हैं उनकी इमेज दो बार एग्जाम में देखी गई है, तो आपको जरूर जरूर पढ़नी है। फिर आता है पोजीशनिंग, पोजीशनिंग में सेमी लेटरल पोजीशन है, नीचे पोजीशन है, लेफ्ट लेटरल है, एनिमा में कौन सी दोगे या फिर सिग्मॉइडोस्कोपी में कौन सी दोगे, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है वो भी हमें देखना चाहिए, और स्पेशली फॉर सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का, तीनों के तीनों चीजें ये है, ये पता होने चाहिए। लीडरशिप्स, जो भी लीडरशिप्स होते हैं, क्या लीडरशिप्स होती है नर्सेस की, वो सब पता होने चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं, वो सारे पॉजिटिव कौन सा है ना, ये सारे साइन सिम्टम पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा टॉपिक आपका। जीईआरडी, अभी मोजबी के अंदर कुछ दिन पहले बच्चों के डाउट आ रहे थे कि जीईआरडी में हम पिल्लो को क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो भाई हेड के नीचे पिल्लो लगा तो ग्रेविटी का काम करता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जीईआरडी से बनते हैं बच्चों, जो आपको लगता है ये इनका कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। अब आगे भी बात करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस के साथ, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फिर है हमारा ग्लूकोमा, ग्लूकोमा है, कैटेरक्ट है, ठीक है, और जो भी आपका रेटिनल डिटैचमेंट है, आपको आई वाला टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार 2021 में क्या हुआ, सारे के सारे जो जितने भी आई के डिसऑर्डर है ना, सारे एग्जाम में आ गए थे, ठीक है, और ईयर के भी आते, तो आपको आई और ईयर डिसऑर्डर सबसे ज्यादा पढ़ना है। जिसको हम छोटा समझते हैं ना, कभी कभी वो ही जो है बहुत बड़ा बन जाता है। तो एक है पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस भी हमारा बहुत ज्यादा आता है, कौन से सेगमेंट में पेन होता है, कहाँ पेन होता है, क्या इसका कोज रहता है, तो सब आता है। फिर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कंडीशन जो होती है, कौन सी डिजीज जो है ग्रेव डिजीज करती है, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपो कौन सी डिजीज जो है आपकी क्या करती है, माइक्सएडिमा करती है, तो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और सब लोग लिख रहे हो ना, लिख लेना। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से होती है, रूट से होती है, इंट्राथिकल रूट से होती है, आईवी रूट से क्या होता है, आईएम रूट से क्या होता है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनका एंगल पता होना चाहिए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। एंटीडोट्स, एंटीडोट क्या है, आयरन का एंटीडोट क्या है, ठीक है, इस टाइप जितने भी एंटीडोट है हमारे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एंटीडोट होता है हिपेरिन का, जो कि बहुत फेमस होता है एम्स का, तो आपको सब सारे ही एंटीडोट पढ़ने, ऐसा नहीं है आपने हिपेरिन और वारफेरिन को पढ़ लिया, सारे एंटीडोट आपको पढ़ने हैं। फिर एब्रप्शियो प्लेजेंटा, एपीएच के दो सिम्टम्स, दो कंडीशंस होती हैं आपकी, एब्रप्शियो प्लेजेंटा प्रेविया और पार्शियल प्लेजेंटा प्रेविया, ये भी आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं मेनोमेट्रोरेक्सिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, नॉर्मल यू मेनोरिया, पोलीमेनोरिया, इससे क्वेश्चन भी बनता है।
फिर एमनियोटिक फ्लूड, इसकी इसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाई एटम पे कितना होगा, ठीक है 24 वीक पे कितना होगा, यदि गोल्डन कलर आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे आएंगे, ठीक है ग्रीन कलर आ रहा है तो क्या होगा, जितनी एबनॉर्मलिटी आप लोगों ने पढ़ी है वो सब आपको पता होनी चाहिए, कितना इसका एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं, एमनियोटिक फ्लूड के बारे में जितनी भी नॉलेज ले सको वो लेके जाना। डाउन सिंड्रोम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यदि कोई भी क्रोमोसोम डिसऑर्डर होगा ना तो बच्चों डाउन सिंड्रोम का सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। फिर आता है आपका नर्सिंग असेसमेंट, जो कि हमारा नर्सिंग असेसमेंट जो टॉपिक है फंडामेंटल का, ऐसा लगता है टॉपिक बहुत ईजी है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में, तो वो कॉम्प्लिकेशन हमें क्रिएट नहीं करनी है, है ना। मीजल्स चिकन पॉक्स, ये दोनों ही चीजें मीजल्स और चिकन पॉक्स हमें पता होने चाहिए। एंटीबायोटिक जितनी भी है ड्रग ऑफ चॉइस एंटीबायोटिक सब करनी है हमें। एपिजोटमी कौन सी मोस्ट कॉमन है, मिडल लेटरल है, लेटरल है, जे शेप है, सब पढ़ना है। रीनल स्टोन, ठीक है रीनल स्टोन जो है कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है ये भी हमें पढ़ना होगा। पार्टोग्राफ के बारे में बच्चों 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्टोग्राफ क्यों करते हैं, कितना सेंटीमीटर पे डायलेट होता है, ठीक है कितने हार्डली इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए। फिर आता है आपका प्री इक्लैम्पशिया, इक्लैम्पशिया सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ADHD जो कि सेक्रेटरी का क्वेश्चन है, ठीक है एपिस्टेक्सिस में कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, कैसे बैठाना चाहिए, सब चीजें। फिर आपका ICP CVP IOP कितना नॉर्मल होता है, बेड सोर जितने भी आपके स्केल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एडवांस क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फोटोथेरेपी जॉन्डिस ये सब पता होना चाहिए। डिल्यूजन इल्यूजन और हेलुसिनेशन जितनी भी थेरेपीज हैं, साइकेट्रिक की इम्यूनो थेरेपीज है, आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, XYZ जो भी थेरेपी है वो पता होना चाहिए। डिप्रेशन में कौन सी थेरेपी देते हैं, सिज़ोफ्रेनिया में क्या देते हैं, ये थेरेपी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। OCD आता ही आता है क्वेश्चन, फोबिया से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पार्किंसन डिजीज के बारे में पूछते हैं और स्पेशली जो ड्रग्स आती हैं कार्बिडोपा लीवरडोपा क्या फंक्शन होता है क्या नहीं होता है वो सब कुछ आपको पढ़ना होगा। कैंसर पेशेंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं पूरी होल इंडिया के अंदर, तो आपको कैंसर के बारे में भी नॉलेज लेके जानी है नोरसेट से पहले। बच्चों BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स ये भी आपको पढ़ना होता है, नॉर्मल कितना होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। फ्रैक्चर से या तो इमेज बेस बन के पूछा आता है क्वेश्चन, या फिर नॉर्मल पूछ सकते हैं ब्रायन ट्रैक्शन यूज कहाँ करोगे, ठीक है स्किन ट्रैक्शन यूज कहाँ करोगे, तो इस टाइप के ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। डिमेंशिया डिलीरियम लंग वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और आएगा ही आएगा 2023 में। जितनी भी आपकी टर्म्स होती हैं छोटी से छोटी टर्म्स वो आपको जरूर पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी टर्म से भी क्वेश्चन आता है, वो टर्म्स हमें पता नहीं होता क्योंकि हमें लगता है नॉर्सेट बहुत हाई लेवल पूछेगा और टर्म्स हमें पता नहीं होती, तो टर्म्स के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जैसे आपकी सिंपल एपिस्टेक्सिस क्या है, एफेजिया क्या है, एगोनेशिया क्या है, है ना, ये सारी की सारी, एम्बिवेलेंस क्या है, जितनी भी आपकी टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। एबोर्शन कौन सा अबोशन जो है कब हो रहा है, कौन से वीक पे हो रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, किसमें इंटरनल ओस क्लोज होता है, किसमें ओपन रहता है, किसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसमें ब्लीडिंग कम होती है, ये सारे के सारे कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ओटाइटिस मीडिया भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी सर्जरी होती है कौन सी नहीं होती है। TURP बच्चों 20 तक आने वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन था लेकिन हमें TURP पढ़ के जाना होता है क्योंकि TURP एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, ठीक है। कोलोस्टमी जैसे जैसे करते हैं, कोलोस्टमी हम कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड कौन से होते हैं, राइट साइड कौन सी होती है, तो सिग्मोइड कोलन में करते हैं या फिर आप ट्रांसवर में करते हो, कहाँ करते हो कहाँ नहीं करते हो, कोलोस्टमी के बारे में हर नॉलेज पता होनी चाहिए। कैथेटराइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, कौन से प्रोसीजर से कौन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। नंबर पंचर और आई मेडिकेशन ईयर मेडिकेशन, आई मेडिकेशन तो आप लोगों ने देखा होगा कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, इनर कैंथस में करते हैं, कितना ड्रॉप्स ऊपर से लेना होता है, है ना। और ईयर इरिगेशन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, LPD कैसे करते हो आप, कौन से निडल से करते हो, सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं क्या पढ़ना था, हमने डिस्कशन कर लिया क्या क्या पढ़ना है, अब डिस्कशन करते हैं कितना पढ़ना है। अब जो सेकंड जो थंबनेल के ऊपर सेकंड पॉइंट लिखा है कितना पढ़ना है, उस टॉपिक पे मैं बात करूंगी आपसे। देखो जितने भी टॉपिक बताए ना बच्चों वो आप लोगों ने खुद ही एनालाइज कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन ये टॉपिक्स एग्जाम में आ चुके हैं यदि आप पढ़ रहे हो तो, और यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। यदि आपने पढ़ा है तैयारी की है पहले तो आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ यही टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हम इन्हीं को छोड़ देते हैं, इन्हीं को स्किप करते हैं और यही टॉपिक हमारा बार बार क्या करते हैं सिलेक्शन को रोकते हैं। और एक टॉपिक और ऐड कर लेना, सूचर्स भी आता है एग्जाम में।
अब कितना पढ़े, कम से कम भी ना 10 घंटे तो निकालो, 10 hours तो आपको कम से कम भी निकालने होंगे। अब आपको टाइम पीरियड अपने अकॉर्डिंग बच्चों मैनेज करना है, क्योंकि सबका जो है शेड्यूल है वो अलग अलग होता है डे का। जैसे कि 6 से 8 आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, 6 से 8 के जो आपका स्लॉट होता है उसमें आप एक स्लॉट ले सकते हो, फिर 2 घंटे रेस्ट करके 11 से 1 बजे तक का आप स्लॉट ले सकते हो, फिर से आप रेस्ट कर लो, खाना पीना खा लो, सो जाओ, फिर से आप रेस्ट करके 3 से 6 बजे के बीच का स्लॉट ले सकते हो, एंड फिर से 2 घंटे फिर रेस्ट कर लो, फिर आप 8 से 11 तक का स्लॉट ले सकते हो। आपकी मर्जी है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको छोटा सा एक क्या बताया, शेड्यूल बताया, जिसको आप फॉलो करके आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। क्योंकि बच्चों बिना पढ़े भी आपने नहीं पढ़ा, 2 से 3 घंटे ही पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब आता है कैसे पढ़े, थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन करें, क्या करें क्या नहीं करें, यही समझ नहीं आता है। तो क्या करना है, देखो थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि थ्योरी पढ़ी तो आप लोग जो 4 जो ऑप्शन होंगे उसको एलिमिनेट कर पाओगे, कि ये वाला ऑप्शन जो है इस वाले का होगा, ये वाला ऑप्शन जो है इस डिजीज कंडीशन का होगा, तो ऑप्शन को एलिमिनेट आप लोग कर पाओगे। जैसे कि पी यादव क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप लोग थ्योरी पढ़ो, चाहे आपके पास नोट्स हो, चाहे आपके पास बुक्स हो, कहीं से भी पढ़ो। पी यादव की बुक जो आती है ना वो भी बिल्कुल सही होती है, अच्छी बुक होती है, थ्योरी के लेवल पे देखूं तो मैं उसमें बिल्कुल अच्छे नोट्स बने होते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की तो बुक लेके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। यदि आप लोगों को एनक्लस अच्छी लगती है तो आप एनक्लस से भी थ्योरी को कवर कर सकते हो। कम से कम भी ना बच्चों 1 दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, वो ही बच्चा कर पाएगा जिसने पहले से तैयारी की हुई है ना। क्योंकि थ्योरी जो है, यदि जिसने थ्योरी नहीं किया वो थोड़ा फास्ट ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे ना तब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके माइंड में क्या होगा, क्वेश्चन सेट हो जाएंगे कि हाँ ये जो थ्योरी थी मैंने इस क्वेश्चन में ये पढ़ा और ये क्वेश्चन जो है ऐसे निकलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो यहाँ होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन यहाँ होगा। तो इस तरीके से आप क्या एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एग्जाम को फाइट कर सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों, वैसे थ्योरीज में ज्यादा टाइम मत दो, 7 से 8 दिन जो है थ्योरी में लगा लो, 7 से 8 दिन के बाद जो है आप क्या करना शुरू करो, क्वेश्चन शुरू कर दो। क्योंकि कम से कम 20 से 25 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में चाहिए ही चाहिए हैं, या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा अपने आप को सेल्फ इवोल्वेट कर पाते हो कि कैसे पढ़े, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नेगेटिव मार्किंग को कैसे होल्ड करें, है ना। अब मैं मेन बात मैं पे आती हूँ, क्योंकि कैसे थ्योरी तो हो चुकी है बट क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो क्वेश्चन हमारी 2 बुक्स होती है, पी यादव और टारगेट है, एक होती है एनक्लेक्स। तो बच्चों पी यादव के अंदर 10,000 क्वेश्चन है, आपकी जो टारगेट है 15,000 क्वेश्चन है, एनक्लेक्स में 960 क्वेश्चन है, मोज में 2,200 क्वेश्चन है। क्या ये सारी बुक करनी जरूरी है, भाई जरूरी तो बहुत है, लेकिन देखते हैं यदि हमारे पास टाइम कम है तो हम कम बुक करेंगे, ठीक है। तो आप पी यादव को कर सकते हो, टारगेट हाई को कर सकते हो, और आप एनक्लेस को कर सकते हो, मोस्टली को आप होल्ड कर दो क्योंकि टाइम अब आपके पास नहीं है। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप इन दोनों बुक को तो आपको कवर करना ही है। पी यादव आपकी 10 दिन में हो जाएगी, यदि आप डेली 10 दिन में तो नहीं, लेकिन आपको इस बुक को 7 दिन में खत्म करना होगा। 10,000 क्वेश्चन है, ठीक है, 10,000 क्वेश्चन है इसके अंदर। यदि आप 2,000 क्वेश्चन पर डे निकालते हो तब भी 5 दिन में कवर हो जाते हैं, यदि आप 1,500 क्वेश्चन निकालते हो तो ये 7 से 8 दिन में कवर हो जाती है। क्योंकि बच्चों इतने क्वेश्चन तो आपको पर डे निकालने होंगे, यदि आप इससे कम क्वेश्चन निकालोगे तो आपका जो है पूरी की पूरी बुक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कम से कम भी हमें पी यादव और टारगेट हाई तो करनी ही करनी, यदि एनक्लेस को भी छोड़ दे तो, ठीक है। टारगेट हाई में 15,000 क्वेश्चन है, यदि आप पर डे 2,000 क्वेश्चन निकालते हो तो 7 दिन में ये 8 दिन में कवर हो जाएगी। 7 दिन के अंदर 14,000 क्वेश्चन कवर होंगे और 8 दिन के अंदर पूरी की पूरी बुक कवर हो जाएगी। तो 8 दिन आप लोग ले सकते हो। एनक्लेक्स में 960 क्वेश्चन, यदि आप 200 क्वेश्चन भी निकालते हो, 250 क्वेश्चन भी निकालते हो, बच्चों ये भी 5 डे में कम्प्लीट हो जाएगी। मोस्टली वैसे 2,200 क्वेश्चन के साथ है, यदि हम इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही 300 क्वेश्चन पर डे निकाल दो, 7 से 8 दिन लगेंगे। तो ये आपके लिए, यदि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसने तैयारी की हुई है बच्चों, तो सारी बुक इसी तरीके से डिवाइड करो कि 7 दिन पी यादव, 7 दिन टारगेट हाई, उसके बाद आपकी 5 दिन एनक्लेस एंड 5 से 7 दिन आपकी मोस्टली, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पूरा मंथ कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेन बात है थ्योरी को पढ़ना, थ्योरी कहीं से भी पढ़ो, कोई सी बुक भी लो, थ्योरी पढ़ो। नेगेटिव मार्किंग, अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग पे, नेगेटिव मार्किंग को होल्ड कैसे करें,
सबसे बड़ा क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग को होल्ड करने का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस का मतलब कि जितनी भी आप लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज ली हो, नहीं तो नहीं ली है, तो आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नहीं का आंसर आपको नहीं देखना है, और एक नोटबुक लेनी है, पेन लेके बैठना है, और वहां पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर ये, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पेपर के ऊपर लिखते रहना है, बाद में उनको चेक करना है मेरे कितने क्वेश्चन सही थे। इससे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होल्ड हो सकती है यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। लेकिन जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है तो वो नाइट में सोने से पहले एक टेस्ट जरूर दें, इससे क्या होगा, अपने आप को सेल्फ इवॉल्वेट कर सकते हो, ठीक है। और अब जो है हम बात करते हैं मोटिवेशन की। बच्चों मोटिवेशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हमारी कुछ कंडीशन ऐसी है तो हम बिना किसी के मोटिवेशन के ही मोटिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली सिचुएशन या फिर आपकी खुद की सिचुएशन, तो ये जो सब बाहर टेम्परेरी मोटिवेशन होता है जो हमें लोगों से मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन बच्चों अपने अंदर होता है। तो आप लोग अपने घर की स्थिति, अपने फैमिली की स्थिति, अपने पेरेंट्स की स्थिति, इन सब को देख के मोटिवेट रहो और डेली डेली पढ़ो, क्योंकि सूरज जैसा बनने के लिए डेली सूरज की तरह चमकना होगा, डेली निकलना होगा, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, तो हमें डेली ही उठ के डेली जो है क्या करना होगा, डेली पढ़ना होगा, कम से कम भी 10 से 12 घंटे। देखो 10 से 12 घंटे पढ़ोगे ना बच्चों, तो जितना सिलेबस मैंने आपको बताया ना आराम से कवर हो जाएगा। और कैसी जो आपके 100 टॉपिक्स है ना, जब भी आप किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो मेन जो है पॉइंट जो है आपका ये टॉपिक्स रहने चाहिए, ये आपको जरूर पढ़ना है। एक पेपर पे आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना, वीडियो को दोबारा देख के और लिख लेना। और जहां पे भी आपका जैसे आपका एंडोक्राइन पढ़ रहा, आपने DIDM पढ़ लिया, तो आप लोग टिक करते रहना कि मैंने ये पढ़ लिया। सारा सिलेबस बच्चों एक बार जरूर कवर करना है, क्योंकि जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं चूक जाएगा हमारा सिलेक्शन। तो इसी तरीके की वीडियोस और पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।